फिल्मी दुनिया छोड़कर पिता को चुनाव जिताने मैदान में उतरे फैजान, मंदिर में टेक रहे माथा तो दरगाह पर मांग रहे दुआ, अखिलेश के विकास पर मांग रहे वोट। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सपा के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव सरकार में पूर्व मंत्री के बेटे अब अपने पिता के लिए राजनीतिक जमीन तराश रहे हैं। पूर्व मंत्री की राजनीतिक विरासत उनका बेटा संभाल भी रहा है और अपनी फिल्मी कैरियर को छोड़कर पिता को यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए दिन रात भी एक कर रहा है। वह कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव में पिता की उनके क्षेत्र में फिजा बनाने के लिए वह घर घर जाकर लोगों से मिल भी रहे हैं और उनके हर संकट को दूर करने का वादा भी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री का बेटा इन दिनों मंदिरों में माथा टेक रहा है और संदेश दे रहा है कि वह हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी जिले की रामनगर विधानसभा सीट की, जहां से अखिलेश यादव सरकार में मंत्री और सपा के कद्दावर नेता फरीद महफूज किदवई अपना भाग्य आजमा रहे हैं। फरीद महफूज किदवई के बेटे फैजान किदवई इन दिनों अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। फरीद महफूज किदवई की बाराबंकी जिले में सपा के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। उन्होंने बाराबंकी जिले में राजनीतिक सफर कई दशक पहले शुरू किया था। कई बार विधायक रहने के बाद अखिलेश यादव सरकार में फरीद महफूज किदवई मंत्री रहे। हालांकि मोदी लहर में वो बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने फरीद महफूज किदवई की सीट बदलकर उनको बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के शरद कुमार अवस्थी से है। सियासी खेल में शिखर तक पहुंचने के बाद अब फरीद महफूज किदवई की राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र फैजान सिद्दीकी ने आगे बढ़ाने का मन बनाया है। वह कई टीवी सीरियलों में काम कर चुके हैं, लेकिन अपने फिल्मी कैरियर को इन दिनों वह अपने पिता के चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। क्षेत्र का कोई भी गांव और गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां वह पहुंच न रहे हों। सभी को वह अखिलेश यादव सरकार के विकास बता रहे हैं और पिता के विधायक बनने पर उनकी सभी परेशानियों को दूर करने का भरोसा दिला रहे हैं। पूर्व मंत्री के बेटे फैजान किदवई इन दिनों मंदिरों में माथा टेक रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि वह विकास की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री के बेटे फैजान किदवई ने बताया कि वह इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर पिता को चुनाव जिताने में मेहनत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है और इस बार प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री फरीद महफूज किदवई अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क कर चुनावी माहौल बना रहे हैं। फरीद महफूज किदवई ने कहा कि हमारे क्षेत्र में पारिजात का वृक्ष है, वहीं पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर भी है, यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विधानसभा रामनगर की जनता उन्हें इस बार जीतकर विधानसभा जरूर भेजेगी। देखिए, मैं हमेशा से पापा के इलेक्शन में कैनवसिंग में हमेशा से साथ रहा हूं। और जहां तक बॉम्बे की बात है, मैं टेलीविजन में काम करता था, सीरियल्स करता था। और फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि अब जाहिर सी बात है पापा इज गेटिंग ओल्ड, उनकी उम्र हो रही है, तो मैंने उनसे बात करी कि और लोगों का इसरार ज़्यादा था कि भाई फरीद किदवई की अब उम्र हो रही, बेटा तुम आओ देखो जनता की सेवा करो। तो मैंने सोचा कि भाई आना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लोगों की डिमांड है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे आके हमारे परिवार से आगे भी लोग आए खिदमत करने के लिए। तो मैंने जब इस बात की ख्वाहिश जाहिर करी पापा से, तो उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत अच्छी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उनका कि पॉलिटिक्स पे कभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत होना, अपना कुछ और काम सेट कर लो तो उसमें करप्शन तो आएगा ही आएगा। तो आप अगर फाइनेंशियली कहीं और से, मतलब आप अपने पैसे का, अपने दिन भर के खाने पीने का इंतजाम कहीं और से कर लें, तब आप निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर सकते हैं। एक अजीब इत्तेफाक है साहब कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा था उस वक्त भी एक वेव थी मेरे फेवर में, और हाल ही था कि उस जमाने में बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस हुआ था, और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी होती तो वही सरकार बनाती थी। तो राजीव गांधी आए थे, पहली मीटिंग उन्होंने यही की, अयोध्या गए थे पहले, वो वहां से लौट के आए थे, तो वहां जो मजमा था, क्योंकि देखिए बेसिकली रामनगर के लोग उस जमाने में कांग्रेसी हुआ करते, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, मुसलमान थे, तो उस जमाने में सब कांग्रेसी हुआ करते। तो वहां उन लोगों ने उसकी तकरीर सुनने गए थे, लेकिन वहीं उन्होंने ये तय किया कि झंडा बिल्ला आई का और वोट फरीद भाई, ये नारा वहां पे लग गया। और उसके बाद पूरे इलेक्शन भर सिर्फ ये तक झंडा बिल्ला आई का और फरीद भाई का। तो जो वेव थी, मैं उस जमाने में, मुझे याद पड़ता है मैं 7,000 कुछ 100 वोटों से जीते,
से जीता था तो 7,000 उन्होंने बहुत बड़ी मार्जिन, क्योंकि 70 या 80 हजार वोट होता था उस जमाने में, तकरीबन आज होता है 4 लाख, 4 लाख के करीब होता है, और उस जमाने में 70,000, तो 70,000 में 7,000 की लीड बहुत बड़ी होती। मुझे इसलिए याद है कि मैं दिल्ली जब गया तो चौधरी चरण सिंह के दफ्तर गया तो वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कितने जीते, तो हमने कहा 7,000, कहने वाह 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 बहुत उम्दा, ऐसे पीठ भी ठोके भाई, तो तब भी वेव थी, आज भी वेव है, कोई रणनीति नहीं, सीधे जाता हूँ जाके आदमी से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो मुझे 80% तो अपने ही फेवर में रिस्पॉन्स मिल जाते हैं। मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, हाँ होंगे होंगे, लेकिन मेरे लिए तो मुसलमान और गैर मुस्लिम सब बराबर हैं, नहीं वोट के हिसाब से मुझे उतना ही वोट सबका मिल रहा है, क्योंकि पारजात का जो पेड़ है, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जब मैं पहली बार MLA हुआ था तो मैंने स्पीच दी थी हाउस में, और वहां तब मैंने बताया था कि आप लोगों के शायद जनता को नहीं मालूम है कि वहाँ एक ऐसा पेड़ है जो अपनी तरह का बाहिल है, और उसके पीछे धार्मिक आस्था भी लगी हुई है कि कुंतेश्वर का मंदिर भी वहीं है, और कुंती जी ने या किसी ने वहाँ शाख फेंकी थी जो आके जमी हो रही है, तो उस जमाने में किसी को नहीं मालूम था शायद, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई इतने लोग देखने आते हैं, कम से कम उनके बैठने की एक जगह होना चाहिए, तो मेरे ही कहने के बाद वहाँ पे बेंचेस वगैरह बनाई गई और ब्यूटीफाई किया गया।